गाइज़ ये टर्बो सी आई डी ई है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस पर हम लोग सी प्रोग्रामिंग करते हैं कॉलेज और स्कूलों में, ठीक है, और अपने घर में भी। तो इसका कुछ फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोड्स पर अभी ध्यान मत दीजिएगा, छोटा सा एक मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, कोड्स समझना नहीं, सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी हम देखेंगे कि टर्बो सी काम कैसे करता है, ओके। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिखता हूँ, इंक्लूड ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने दो नंबर्स लिया है, a इक्वल टू b इक्वल थ्री और सम, यानी कि मैं दोनों को ऐड करके प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोड्स में भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए कोड्स में ध्यान नहीं देना है, ओके। हम लोग फंक्शनैलिटी देखते हैं। अगर कॉलेज में क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट इस तरह से लिख कर छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब इसको कट नहीं करते, तो आपको नया पेज खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आप अपना प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको नया पेज खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल में जाना पड़ेगा, देन न्यू में क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपको क्या करना है, ये जितने भी पेज ओपन है उसको क्लोज आप कर सकते हैं। कैसे क्लोज कर सकते हैं, पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितने पेज ओपन है। तो इसके पता लगाने के लिए आप देखिएगा यहाँ 2, 3, यानी कि दो पेज आपको विजिबल और दिख रहा है, तो दो पेज अभी ओपन है। इसको क्लोज करने के लिए आपको इस आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ग्रीन बटन है, यहाँ आपको एक बार क्लिक करना है। ऐसे आप क्लिक करोगे तो आपका पेज क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्लेज पेज, पहला जो पेज था पेज 3, वो क्लोज हो गया, अभी ये आ गया, ठीक है। तो ये था पेज को ओपन करना और क्लोज करना, ओके। अब आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसको सेव करेंगे, तो सेव कैसे किया जाता है, फाइल में जाना है, सेव में क्लिक करना है, या तो फिर आप डायरेक्ट F2 प्रेस कर सकते हैं। सेव में क्लिक करना है, यहाँ आपको अपना अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ a.c देना है, .c सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है, ओके। तो .c आपको लिखना है, उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है, तो आपका प्रोग्राम सेव हो गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा आपका फाइल नेम 8.c, ओके। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो, फाइल में जाना है, सेव में क्लिक करना है, ओके, सिंपल है, ओके। सेव करने के बाद आपने कोड लिखा, इस कोड का आप रन कैसे करोगे, तो रन करने से पहले आपको अपना आपने जो भी कोड लिखा उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने का मतलब आप अपने कोड को चेक कर रहे हो कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। सिंपल शब्दों में जो हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे वह इतना ही है कि हम अपने कोड को चेक कंपाइल करके चेक करेंगे कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ आपको दिख रहा होगा नीचे, अगर याद ना रहे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि Alt F9 हमें प्रेस करना है, यानी कि Alt F9 आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको यहाँ दिखिएगा कि एरर्स 00, यानी कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अगर एरर 00 दिखता है तो आपका प्रोग्राम सही है, अदरवाइज़ अगर 1, 2 अगर कोई भी अदर देन 0 आता है तो आपका आपके प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, ओके। तो दिख रहा होगा सक्सेस, तो यानी कि मेरा प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही है। तो आप कोई भी की प्रेस कीजिए, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा आपका। उसके बाद आपको कंपाइल करने के बाद आपने चेक किया कि आपके प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक नहीं है। कंपाइल करने के बाद अगला स्टेप है अपने प्रोग्राम को रन करके चेक करना कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वह सही है या नहीं है। सही है या नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर है या नहीं है। आप इसका मतलब ये है कि आपने अगर दो नंबर्स को जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम बनाया तो वो दो नंबर्स को जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, जोड़ रहा है तो अगर करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने का आपके पास दो तरीका है, पहला है
कि आप रन में जाएं, फिर रन में क्लिक करें, ओके। या तो फिर आप कंट्रोल F9 डायरेक्ट प्रेस करके इसको रन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F9 का हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस F9। जैसे आप कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं, आपको आपका आउटपुट स्क्रीन दिखेगा, साथ में आपने जो प्रोग्राम जिस चीज़ के लिए बनाया है वह आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है सम इक्वल 5, ओके। इस ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए आपको बस एक बार इंटर की प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा, ओके। तो इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद एक और लास्ट स्टेप है कि आपने ये जो प्रोग्राम बनाया ये इंडिविजुअली किसी सिस्टम में कैसे चलेगा। मीन्स अगर आप किसी, आपने एक प्रोग्राम बनाया, आप ये प्रोग्राम किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी को देना चाहते हैं और उसके पास टर्बो सी नहीं है, तो यह कैसे चलेगा। इसके लिए आपको .exe फाइल क्रिएट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम का, ठीक है। तो .exe फाइल कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से F9, F9 जो कि आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, F9 से मेक होता है, ठीक है। यानी कि आपको एक .exe फाइल क्रिएट करके देगा, इसलिए हम लोग F9 प्रेस करते हैं, तो इस तरह से आपका स्क्रीन आपको दिखेगा कि लिंकिंग, ओके। फिर आपको यहाँ कोई भी की प्रेस करना है, देन आपका .exe क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं जहाँ आपका टर्बो सी का सोर्स पाथ होगा, यानी कि जहाँ आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जो कि सी ड्राइव में आपको मिलेगा, माय कंप्यूटर सी ड्राइव, देन TC, देन सोर्स फोल्डर, उसके अंदर आपको एक आपके फाइल नेम का इस तरह का ADD, जैसे कि मेरा ये है तो ADD नाम का एक आपको फाइल मिलेगा, एप्लीकेशन जिसका टाइप दिखेगा एप्लीकेशन, उसको ओपन करके आप डायरेक्ट इसको रन कर सकते हैं, या फिर उस फाइल को आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके पास टर्बो सी नहीं भी है तो भी उसका वो रन करेगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग सी प्रोग्राम करते हैं और उसका फाइल क्रिएट करते हैं, ओके। टर्बो सी बहुत ही पुराना वर्जन है, इसमें एक फॉल्ट ये है कि यह जो है आपका विंडोज 7 में इसका जो सोर्स फाइल आप जो क्रिएट कर, आपने .exe क्रिएट किया, ये आपके हो सकता है कि आपके आपको विंडोज 7, आपके पास अगर विंडोज 7 है घर में, तो उसमें सोर्स फाइल इंडिविजुअली रन ना करें, ओके। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है टर्बो सी, ये आउट अपडेट हो गया है, इसमें कोई अपडेट नहीं है, न्यू वर्जन ये नहीं है, इसीलिए जितने भी विंडोज 7 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं 8, 8.1, 10, इनमें से किसी में भी आपका वो फाइल रन नहीं करेगा। इसीलिए मैं टर्बो सी यूज़ नहीं करता प्रोग्राम करने के वक्त, मैं यूज़ करता हूँ कोड ब्लॉक्स, और कोड ब्लॉक्स में प्रोग्राम करके ही पूरा वीडियो सीरीज़ क्रिएट किया जाएगा इसमें, ओके। इसीलिए अगर आप टर्बो सी यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, टर्बो सी यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन मेरे वीडियोज़ जो हैं वो कोड ब्लॉक्स में होंगे, और कोड ब्लॉक्स के मैं जो भी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, जो भी कोड मैं बनाऊंगा, वो कोड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं उन कोड्स को टर्बो सी में यूज़ करना, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा CLRSER फंक्शन, ये फंक्शन कोड ब्लॉक्स में लिखना ज़रूरी नहीं होता। उसी तरह GET CH फंक्शन, ये फंक्शन भी कोड ब्लॉक्स में लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो जब मैं कोड ब्लॉक्स में प्रोग्राम करूँगा, तो हो सकता है कि मैं CLRSER फंक्शन और GET CH फंक्शन का यूज़ ना करूँ अपने कोड्स में। तो जब आप मेरे कोड्स का को कॉपी पेस्ट करें अपने टर्बो सी में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उन कोड्स में CLRSER फंक्शन या फिर GET CH फंक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ये अपने खुद से लिखना पड़ेगा, CLRSER और GET CH। CLRSER और GET CH फंक्शन कहाँ लिखना है, देख लीजिए, जब आप क्लोज सेट ब्रैकेट देते हैं उसके जस्ट ऊपर में आपको GET CH फंक्शन लिखना है, और आप जो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कीजिएगा, जस्ट उसके नीचे आपको CLRSER फंक्शन लिखना है, ओके। नाउ मे बी ये क्वेश्चन होगा किसी के मन में कि CLRSER हम लोग यहाँ क्यों यूज़ करते हैं टर्बो सी में। CLRSER हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जैसे कि मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा, ठीक है। कंट्रोल N किया मैंने, यहाँ आपको दिख रहा होगा सम 5, ओके। इसको मैंने
प्रेस इंटर किया, ये स्क्रीन गायब हो गया। फिर से एक बार मैं रन करता हूँ कंट्रोल F9 करके, फिर ये आपको दिख रहा होगा सम इक्वल 5। फिर से मैं इसको ये हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं CLR LCR फंक्शन यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, रन हो गया। देखिए पहले बार जो रन किया था सम इक्वल 5 वह अभी दिख रहा है, और इस बार जो रन किया सम इक्वल 5 वह भी, यानी कि दो बार दिख रहा है। इस तरह अगर आप विदाउट CLR SCR आप फिर से रन करेंगे तो आपको तीन बार सम दिखेगा, सम इक्वल 5, सम इक्वल 5, सम इक्वल 5। इस तरह फिर कीजिएगा तो फिर चार बार, फिर पाँच बार, यानी कि पहले वाला जो आउटपुट है वह स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा, इसीलिए हमें यूज़ करना पड़ता है यहाँ CLR SCR फंक्शन का टर्बो सी में, ओके। देन नीचे गेट सी एच फंक्शन का क्या काम है, ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अगर ये ना हो तो आप जब इसको रन करते हैं तो आपका आउटपुट स्क्रीन आएगा और खुद ब खुद गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। इसीलिए उस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें गेट सी एच फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, ओके। ताकि जब आप इसको रन करें तो आपका ये ब्लैक स्क्रीन होल्ड करके रहे तब तक जब तक आप कोई की प्रेस ना करें। अब कुछ की वर्ड्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ओके। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा कीवर्ड है, एक CHAR है। कुछ लोग इसको कैर बोलते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, और कुछ लोग इसको चार बोलते हैं, ओके। तो अगर मैं चार बोल रहा हूँ तो CHAR है उसका प्रोनाउंसिएशन, यानी कि इसी को मैं बोल रहा हूँ, या फिर मैं अगर कैर बोल रहा हूँ तो इसका भी मीनिंग यही है CHAR। आई होप कि टर्बो सी के बारे में हम लोग सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। मैं सारी चीज़ें कवर नहीं हुई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली में काम आने वाली है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं आई थिंक। इन केस अगर आपको किसी फीचर के बारे में जानना हो जो आपके लिए यूज़फुल हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपको बता सकूँ, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।